प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी और स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर किया नमन। इसके अलावा पीएम ने तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी किया शुभारंभ। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का भी हुआ संबोधन। कहा, जहां एक तरफ हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में बहुत मेडल जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाया, वहीं प्रधानमंत्री के फिट इंडिया कैंपेन और खेलो इंडिया जैसे प्रोग्रामों ने देश में खेलों को दिया है बढ़ावा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का किया गठन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले पर की कड़ी निंदा। कहा, कांग्रेस के नेता गंभीर परिस्थिति को छोटा करने के कर रहे हैं प्रयास। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हुआ हैक। हैकर्स ने उसका नाम एलन मस्क करके प्रोफाइल फोटो पर लगाई मछली की तस्वीर। इसके साथ साथ किए कई सारे ट्वीट। अकाउंट कुछ समय बाधित रहने के बाद ही किया गया बहाल। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर चिकित्सा ऑक्सीजन की इष्टतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिखा पत्र। देश में कोरोना की रफ्तार फिर तेज। एक दिन में आए कोरोना के 1,94,720 नए मामले। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 9,55,000 से अधिक। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4,868 मामलों की हुई है पुष्टि। इनमें से महाराष्ट्र में 1,281, राजस्थान में 645, दिल्ली में 546, कर्नाटक में 489 और केरल में 350 मामलों की हो चुकी है पुष्टि। उत्तर कोरिया ने अब हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बताया खतरा। साथ ही दक्षिण कोरिया जापान की रक्षा के लिए जताई प्रतिबद्धता। अब खबरें खेल जगत से। हरियाणा में 5 से 14 फरवरी तक होने वाले खेलो इंडिया युवा खेल 2021 स्थगित। कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिया गया ये निर्णय।